सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल KMG News और दबाइए बेल आइकन ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। जब भी हम एक अच्छी आवाज की बात करते हैं और उस आवाज को एक अच्छे प्रोफेशनल वे में तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में केवल एक ही बात आती है, वो है, एक ही प्रोफेशन आता है, वो है संगीत। संगीत वो जिसे रामतनुज पांडे, अरे भाई वही जिन्हें हम तानसेन के नाम से जानते हैं, अरे ग्वालियर वाले तानसेन महाराज, और तमाम ऐसे कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड और अलग अलग फील्डों में म्यूजिक को एक विशेष पहचान दी। लेकिन आज इस आधुनिक भारत में केवल संगीत ही उस विशेष और एक अच्छी आवाज़ की पहचान हो सकती है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि जैसे हर फील्ड में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही आवाज़ को भी एक विशेष पहचान मिलनी चाहिए। वो क्यों संगीत तक ही सीमित रहे? तो हैं एक ऐसी शख्सियत से जो MP के और मध्य भारत के पूरे नंबर 1 वॉइस ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनका नाम है अमन कुमार शिंदे जी। आइए मिलते हैं हम अमन कुमार शिंदे जी से और जानना चाहेंगे उनके इस प्रोफेशंस और इस प्रोफेशन से रिलेटेड करियर के बारे में। जी अमन जी, इस विशेष मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है KMG न्यूज पर। जरा हमें बताइए आपके प्रोफेशन के बारे में, आखिर क्या है ये और किस प्रकार से आप एक भारी और एक एनर्जेटिक आवाज को एक पहचान देते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद KMG न्यूज का। KMG न्यूज एक बहुत अच्छा काम कर रहा है लोगों को अवेयर करने का, तो श्रेय जिसका आप लोगों को जाता है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए आपको भी शुभकामनाएं और बधाई। और जैसा कि आपने सवाल किया कि एक अच्छी आवाज़ को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और सवाल ये भी उठता है कि अगर हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है तो ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं? ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हम सिंगिंग कर सकते हैं, हम गाना गा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इंडियन आइडल और ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं जहाँ पर लंबी लाइन लगी है और करोड़ों की तादाद में सिंगर्स भरे पड़े हैं। अगर कोई बच्चा, कोई इंसान सोचता है कि मैं सिंगिंग करूं और आगे बढूं, तो या तो उसके घर वाले मना कर देते हैं या फिर वो खुद उस करोड़ों की भीड़ को देखकर वापस घर लौटकर आ जाता है। क्योंकि सिंगिंग में आपको पता है कि इतना ज़्यादा तादाद के कारण सिंगिंग कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस वजह से कहीं ना कहीं सिंगिंग में वो करियर अब नज़र नहीं आता है। जी। पर सिंगिंग जब हम करते हैं तो उसके पीछे एक चीज़ होती है, वो है आवाज़ जो ऊपर वाले ने दी है। और अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगिंग को ही प्रोफेशन बनाएं। आवाज़ से जुड़े बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अमन जी, आप सबसे पहले हमें अपने प्रोफेशन के बारे में बताएं, आखिर क्या है और कैसे आप इसे करते हैं? जी, जैसा कि आप बता ही चुके हैं, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे और मैं एक रेडियो जॉकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं जो कि MP नगर Zone 2 भोपाल में स्थित है, और हम वहां पे ट्रेनिंग देते हैं वॉइस की। जी। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सिंगिंग में ही करियर बना सकते हैं। आपकी आवाज़ अगर अच्छी है तो आप एक बहुत अच्छे रेडियो कलाकार आप बन सकते हैं। और जब भी आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो कमर्शियल और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन होते हैं, जी, तो उस पे आप अपना करियर बना सकते हैं। और उस करियर को बनाने के लिए हम दिलो जान से मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रॉपर वॉइस ट्रेनिंग का काम करते हैं। अच्छा, जरा रेडियो इंडस्ट्री की बात आपने यहाँ अभी जिक्र में करी है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर रेडियो इंडस्ट्री की क्या विशेषताएँ हैं, क्या विविधताएँ हैं, और कैसे आपका ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये वॉइस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक अच्छे आवाज़ के कलाकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? जी, अगर बात करें रेडियो इंडस्ट्री की तो बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा, अगर हम हमारे मध्य प्रदेश की ही बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये 4 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हमें कमर्शियल रेडियो स्टेशन सुनने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कमर्शियल रेडियो स्टेशन के बारे में। कमर्शियल रेडियो स्टेशन जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, Big FM 92.7, Big FM, जी 93.5, Red FM, 94.3 MyFM और रेडियो मिर्ची 98.3 FM। तो ये जो 4 रेडियो स्टेशन हैं ये कमर्शियल रेडियो स्टेशन हैं। इनके अलावा एक रेडियो स्टेशन कैटेगरी और होती है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। अच्छा जी। और
रेंज का फर्क होता है जी। जहाँ कमर्शियल रेडियो स्टेशन की जो रेंज होती है वो 60 to 70, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज होती है, 60 से 70 किलोमीटर के दायरे में आप उसे सुन सकते हैं। और जहाँ हम कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की बात करें तो उसे आप 10 से 15 किलोमीटर तक सुन सकते हैं जी। और बहुत अच्छा साधन है रेडियो, जब इंसान स्ट्रेस्ड होता है अपनी लाइफ में, डिप्रेस्ड होता है या परेशान होता है या थका हुआ होता है, तो रेडियो सुनना वो पसंद करता है। और रेडियो जब वो सुनता है, कोई भी शख्स रेडियो सुनता है, तो इसमें उसमें एक बहुत ही प्यारी सी मधुर सी आवाज़ आती है, वो होती है रेडियो जॉकी की। तो हम अपने इंस्टीट्यूट में कोशिश करते हैं कि रेडियो जॉकी और वॉइस से जुड़े दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं उन पर हम फोकस करके उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें जी। आपने रेडियो इंडस्ट्री के बारे में इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया तो दिमाग में सबसे पहले मेरे यही बात आई कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई, आपने इस प्रोफेशन को चुना और इसको कहाँ से स्टार्ट किया, आपको क्या क्या समस्याएं दिक्कतें आई इसे शुरुआती दौर में, ज़रा हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप ये ज़रूर बताएं। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है आपने, और जैसा कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। बिल्कुल उसी तरह मैं बी फार्मा किया हुआ है मैंने, बड़ा अचंभा होता है सभी। अच्छा, आपने बी फार्मा किया है? बी फार्मा मैंने किया हुआ है, और कई लोग सवाल करते हैं कि यार बी फार्मा आपने किया है, आप फील्ड से अलग हट के काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। कई बार आपने देखा होगा अगर 4 साल की डिग्री है तो लोग कहते हैं कि आप 3 साल जब आपके कंप्लीट हो जाएं तब आप जॉब ढूंढने लग जाएं। जी बिल्कुल, ताकि वो जो 1 साल है आपका थोड़ा सा सेपरेट होके जॉब के लिए आप रेडी रहें। तो मैं, ये ट्रेंड है हमारे जी यहां। तो थर्ड ईयर में मैं था और मैं अपने होम टाउन आया हुआ था, हरदा, भोपाल से आया हुआ था, और मैं फेसबुक चला रहा था लैपटॉप पे, तो मम्मी पीछे से आई और उन्होंने कहा कि यार तू दिन भर फेसबुक चलाता रहता है, कभी नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा साधन है, लोगों को पता हो गया कि उस पर सब कुछ मिलता है। तो मम्मी बहुत आसान हो गई इंटरनेट के कारण हमारी जी। तो मम्मी का कहना था कि कोई जॉब ढूंढ ले, तो जैसे ही मेरे मन में आया कि मैं कोई जॉब ढूंढूं, तो वो कहते हैं ना कि एक बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाओ, खुश रहोगे जी। तो मुझे बचपन से मिमिक्री का शौक था, मैं मिमिक्री करता था, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालता था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने सर्च कर दिया गूगल पे हाउ मेनी प्रोफेशंस रिलेटेड टू वॉइस, तो सबसे पहले आया रेडियो जॉकी, और उसके बाद भी बहुत सारे प्रोफेशंस मुझे देखने को मिले। और धीरे से जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहा तो देखा कई जगह पर ट्रेनिंग सेंटर्स की कमी थी, और फिर मैंने डिसाइड किया कि एक ट्रेनिंग सेंटर मैं खुद का भोपाल में खोलूँगा। तो कुल मिलाकर ऐसे कितने प्रोफेशंस हैं जिनमें हम अपनी आवाज़ के बल पर एक अच्छा करियर बना सकते हैं? जी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो अवेयर नहीं होते इस चीज़ को लेके, सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि अच्छी आवाज़ हो तो सिंगिंग हमें करना है। पर रेडियो जॉकी और वॉइस ओवर, वॉइस ओवर आपको पता है क्या है जी? वॉइस ओवर को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँगा आज। आप कोई मूवी देख रहे हैं जी, ठीक है, और मूवी में ब्रेक आ गया, बिल्कुल, तो आप चले जाते हैं उठ के, बिल्कुल हाँ, या हाँ। बैठे रहते हैं कभी कभी, तो एड आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक आवाज़ आती है पीछे से जी, कि घोरेपन का राज, फेयर एंड लवली, तो ये क्या है? ये वॉइस ओवर है। अच्छा, आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन चलाते नहीं आ रही, ऑपरेट करते नहीं आ रही, आपने यूट्यूब पे सर्च किया तो उस पर एक निर्देश वाला वीडियो आ गया, उसमें एक मैडम बोल रही है कि इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप दूसरे नंबर के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद जी यहाँ से काम करना शुरू कर देगी। तो ये क्या है? वो मैडम कौन थी? वो मैडम वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी। अच्छा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वॉइस ओवर के बारे में तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जितने भी एड्स हैं प्लस मूवियों के पीछे, जैसे कि साउथ की मूवी हम देखते हैं तो अमूमन हम जानते हैं कि साउथ की मूवी होती तो उनकी खुद की लैंग्वेज में, लेकिन हमें वो हिंदी में डब होके आती है। तो इस टाइप से और भी ऐसी कई सारी, बिल्कुल आवाज़ के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जिनमें हम एक अच्छी आवाज़ से एक अच्छा करियर बना सकते हैं। तो आखिरी में मैं अमन कुमार शिंदे जी से ये हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश देना लेना चाहूँगा, आखिर वो क्या देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को संदेश? जी मैं आपके इस बहुत ही प्यारे चैनल के माध्यम से एक संदेश सभी को ये देना चाहूँगा कि अपनी आवाज़ को आप पहचानें, अपनी आवाज़ को आप महसूस करें। आप कभी खुद की आवाज़ सुनिए तो सही, आप कभी घर पे ही आप बैठे हैं, आप हेडफोन में कुछ भी रिकॉर्ड कीजिए, आप सुने
और अपनी आवाज़ को पहचानिए कि आपकी आवाज़ अच्छी है या जैसी भी हो, आप कुछ भी कीजिए पर अपनी आवाज़ को महसूस कीजिए। अपनी आवाज़ को जब आप महसूस कर सकेंगे तो जैसा कि हम बोल चुके हैं कि सिर्फ सिंगिंग ही नहीं, बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकते हैं। रेडियो जॉकी वो हो सकता है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो सकता है, वो एक डबिंग आर्टिस्ट हो सकता है, वो एक एंकर हो सकता है। विशेषकर जब हम स्टेज परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पे भी हमें अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना होता है। अभी जो हम आपके सामने खड़े हैं, न्यूज़ रिपोर्टर बन के सर हमारे साथ हैं, तो जब ये भी खड़े हुए हैं कैमरे के सामने तो यहाँ पे भी उनकी आवाज़ का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आवाज़ का इस्तेमाल होता है और आपका भी, आपकी भी आवाज़ का इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपनी आवाज़ को पहचानिए, आवाज़ को महसूस करिए। आप महसूस करेंगे तो पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अमन कुमार शिंदे जी, एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर। अमन जी, हमारे साथ इस विशेष मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और KMG न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक मुहिम छेड़ दी है KMG न्यूज़ ने कि अच्छी अच्छी न्यूज़ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप बरकरार रखते हुए आगे बढ़ें और मेरी शुभकामनाएं आपके भी साथ हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहिए KMG न्यूज़ पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।